हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा जी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बढ़िया रूम तैयार हो गया है। ये ग्रीन कलर में, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही पेंट किया है, और ये वॉलपेपर भी मैंने पहले लगाया था, इसकी वीडियो भी मैंने आपको शेयर करी थी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दीवार हो गई है सारी। और आज मैं आपको दिखाने जाऊँगा किस तरीके से हम नीचे वाले रूम में अपना पेंट का काम करेंगे। जो पहले गुलाबी कलर में हो रखा है, आज हम उसको येलो कलर में पेंट करेंगे। और इसकी छत पर भी हम काम करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, जो डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनेगा। और आप देखेंगे कि छत में किस तरीके से, अगर थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे या ऊंचा नीचा भी है तो वो सब उसमें कवर हो जाएगा, जिस तरीके से हम उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। और पेंट भी बहुत सुंदर होगा फिर उसके ऊपर। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं उसको करूँगा। और आप थोड़ा सा उसको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा कि ग्लव्स वगैरह पहन के उस डिज़ाइन को बनाएं। अगर आपसे डिज़ाइन बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से भी पेंटर की मदद लेके उसको अपने रूम को भी सजा सकते हैं। जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ऐसे आप बाहर से पेंटर की मदद लेके भी रूम को सजा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं उस डिज़ाइन को बनाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है जेके वॉल टी, और ये हम इसको हम खोलेंगे इस तरीके से। हमने लेना है और पानी में मैंने थोड़ा मिला रखा है पहले, और इस तरीके से हमने इसको मिलाना है। काफ़ी हद तक मैंने मिला रखा था, और अभी मैं आपको और मिला के दिखाऊँ। बस इसको हमने इतना डालना है कि ये स्मूथ चलने लगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी, ठीक है। फिर मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा किस तरीके से चलाते हैं। पुट्टी दोस्तों यही लेनी है हमने, अगर घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेके वाइट सीमेंट वाली पुट्टी है, वाइट सीमेंट का बेस है इसमें, ये लेके लगानी है। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहिए और घुमाते रहिए, बढ़िया सेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा बढ़िया। और फिर इसको आपको दीवार पे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब दीवार पे लगाऊंगा इसको मैं। और थोड़ा थोड़ा करके बनाना है क्योंकि इसमें वाइट सीमेंट भी मिक्स है, आजकल आने लगा है, तो ये सेट हो जाती है। जितना आपने लगाना है उतना ही आप मिक्स करें इसको थोड़ा थोड़ा करके। तो अब हमारी ये लगभग तैयार है, ये ऐसे गिरना बंद हो जाए तो समझो, ये देखिए गिरना बंद हो गई, ये डंडे से चिपक गई है अब, तो लगभग ये तैयार है, स्मूथ आराम से हो चल जाएगी। तो इसको हम अप्लाई करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं हाथों से डिज़ाइन बना रहा हूं। तो मैं ग्लव्स पहन लें क्योंकि आजकल वाइट पुट्टी के अंदर वाइट सीमेंट मिला हुआ आ रहा है जो आपके हाथों को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें और ग्लव्स पहनकर ही डिज़ाइन बनाएं, जिससे कि आपके हाथों को नुकसान। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये जलेबी वाला डिज़ाइन बनाने में वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है, और ये जलेबी वाला डिज़ाइन बनाना भी बहुत आसान है। और आप देखेंगे कि दीवार छत जो है हमारी, ये बहुत सुंदर हो गई है, ये और ये जलेबी का डिज़ाइन आप बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। और जो है इसके बाद हम इसमें कलर करेंगे। कलर में हमने इसमें 12 इंची का बॉर्डर डाला है जिसे हम ब्लू कलर में करेंगे। अब देख सकते हैं ये डिज़ाइन बहुत आसान है, और इसमें छत की सारी कमियां छिप गई हैं, जितना इसमें उबड़ खाबड़ था या कहीं से प्लास्टर उतरा हुआ था वो सब कमियां इसमें छिप गई हैं, और बहुत अच्छा हो गया है।
अब हमारा घर पेंट हो चुका है, पिंक कलर से येलो कलर में आ चुका है, आप देख सकते हो। और कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर, ये देखिए येलो कलर कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऊपर की छत भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है।